सभी लोग को नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दिवाली की मिठाइयाँ में कुछ नमक पारा नमकीन। तो आप लोग को ये नमक पारे नमकीन बनाने के लिए बस 2 से 3 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो नमकीन बनाने के लिए देखिए, हमारा 1 पाव हमारा बेसन है, हम कुछ कलौजी मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं और हाथों से क्रेक्स करेंगे हम अजवाइन। अजवाइन और कलौजी मसाला से क्या है ना कि खुशबू, उसका फ्लेवर और बहुत टेस्टी मेरी नमकीन नमक पारे बनेगी। आप लोग ज़रूर एक बार घर पर फ्रेश बनाइएगा। स्वाद अनुसार नमक, मतलब ज़्यादा नमक चटक नहीं होना चाहिए, हल्का नमक रखिए कि आप चाय के साथ और ऐसे खा सकते हैं आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नमकीन बनाने में नमक पारा आपको एकदम टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ हम मोयन लगा रहे हैं, तो आप लोग देखिए हम मोयन कैसे लगाएं कि जो मैदा हमारा है उसका पाउडर, तो वो एकदम हाथ में लड्डू के शेप में एकदम गोल हो जा रहा है। तो हमें मोयन वैसे ही लगाना है, थोड़ा गुनगुना हमें पानी से उसका डो लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसे हम आटा गूंथेंगे। तो हमारा आटा एकदम जो है एकदम सॉफ्ट बनाना है, एकदम नरम न जाए, ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा नरम, हमें एकदम सॉफ्ट रखना है, मुलायम रखना है। क्या है कि हमें नमकीन बनाने का है तो एकदम सॉफ्ट रहेगा, तो जो हमारी नमकीन है कुरकुरी और खस्ती बनेगी और खाने में एकदम बिल्कुल टेस्टी लगेगी। आप ऐसे खाइए चाहे चाय के साथ खाइए, कोई बात नहीं है, पर दिवालियों की मिठाइयाँ के साथ कुछ नमकीन खाने का कुछ अलग ही बात है। तो आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हम उसके लिए रोटी से थोड़ा सुन ज़्यादा हम अपना लोइया बना रहे हैं, तो उसको हमें जैसे रोटी हमें बेलते हैं ऐसे मम्मी ओसे ही उसको हमें बेलने का है, हमें ज़्यादा मतलब थोड़ा मोटा रखने का है रोटी से, एकदम रोटी के शेप में हमें पतला नहीं बनाने का है। तो देखिए हम उसके लिए हम 4 लोइया बनाए हैं, तो हम अपना 1 लोइया का शेप हम लेकर रोटी की तरह हम एकदम गोल शेप में हमें बनाना है फ्रेंड्स। क्या है कि देखिए जो हम अजवाइन और जो, तो देखिए फ्रेंड्स जो हम कलौजी का मसाला और अजवाइन डाले हैं, देखिए कितना उसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, फ्लेवर देखने में दानादार कितना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर नमक आप लोग बिल्कुल मत डालिएगा, चटक मत करिएगा, डालिएगा हल्का। देखिए आपके घर में चाहे पिज्ज़ा कटर है चाहे चक्कू है, आप लोग कोई भी चीज़ ले सकती हैं, कोई सामान जो भी है, ये नहीं है कि आप पिज़्ज़ा कटर ही लिए, चक्कू से भी कट जाएगा ये नमकीन। देखिए हमें नमकीन बनाने के लिए हमें छोटे, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं, हम तो इसका पीस जो बना रहे हैं नमकीन का छोटे छोटे ही अच्छा लगता है देखने में नमकीन, हमें मिठाइयाँ नहीं बनाने हैं कि हमें उसका जो पीस कट रहे हैं वो बड़े बड़े करें। तो देखिए फ्रेंड्स सभी हम नमकीन को नमक पारे नमकीन बना रहे हैं, जो हम सभी को लाइक किश मतलब कट दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी है सभी नमकीनों हमारे कट चुकी है अच्छे से, एक भी चिपका टूटा भी नहीं है, एक में जो हम मोयन लगाए ना ये मोयन का सब कमाल है। तो आप लोग मोयन लगाने के समय आपको ये बातें ध्यान देने का, तभी जो हमारी नमकीन है खस्ती और कुरोरी बनेगी खाने में और टेस्टी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सभी नमकीनों देखने में कितना इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। तो हम इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम ऑयल रख दिए हैं गरम होने के लिए। तो हमारा देखिए ऑयल एक डालकर मैं देखती हूँ गरम हुआ है कि नहीं, पर हो गया है। तो हम सभी नमक पारे को हम ऐड करेंगे, एक भी हमारा उसमें एक में चिपकेगा भी नहीं, इतना हम सॉफ्ट इतना करारा हम बना रहे हैं कि उसमें चिपकेगा नहीं, आपको कुछ ही सेकेंड के बाद उसको उलटना पलटने का है, तुरंत आप उलटिए पलटिए कोई बात नहीं है, पर चिपकेगा एक में कोई नहीं। इसको जो फ्राई करने में आप लोग मतलब कन्फ्यूजन में हो गए कि कितना समय लगा, बस सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता है, पर ज़रूर ये रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा दिवालियों का नमकीन मिठाई के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सभी नमकीन बनकर नमक पारे कितनी अच्छी लगी है,
तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो चाय के साथ खाइए, चाहे ऐसी भी खाइए, हमारी नमकीन जो है अच्छी टेस्टी बनी है। चाहे तो आप सुबह में बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।